टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। मेरठ पुलिस ने 5,20,00,000 रुपए के वायर बरामद कर 13 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों में शामिल 3 लोग मुठभेड़ के बाद गोली लगने पर घायल भी हो गए। इसी गैंग ने 3 दिन पहले कंकड़खेड़ा में वेयर हाउस से एक बड़ी चोरी की थी। ये लोग वायर चोरी कर दिल्ली गाजियाबाद के कबाड़ियों को भेज देते हैं। इस गैंग ने मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में हाई टेंशन टावरों को निशाना बनाकर वायर व महंगे उपकरण चोरी कर लिए थे। इस बारे में आज मीडिया से वार्ता करते हुए मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण और SP क्राइम अनीत कुमार ने सभी बदमाशों को पेश किया। इन गिरफ्तार लोगों में जगत सिंह थाना दादरी, अमन मलिक, रफीक, इमरान मनीष थाना पल्लवपुरम, राम प्रकाश उर्फ विशाल पुरानी मोहनपुरी, अंकित कुमार थाना दौराला, ईश्वर निवासी ग्राम ज्वाला मुजफ्फरनगर, इब्रार पिपली खेड़ा थाना खरकोदा, अरशद बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर, वकील निवासी दासना प्रिंस निवासी चमन विहार कॉलोनी शोभापुर थाना कंकड़खेड़ा मेरठ शामिल रहे। SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। जनपद मेरठ में विगत कुछ दिनों से टावर चोरी में जो उसका मेटल होता है उसको चोरी करना, साथ ही साथ विगत कुछ दिनों में ट्रांसमिशन लाइन में भी तार काट के एल्युमिनियम की और कॉपर वायर को चोरी करने की घटनाएं हुई थी। इसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में भी एक घटना हुई थी कंकड़खेड़ा थाने के अंतर्गत और परीक्षितगढ़ थाने के अंतर्गत भी हुई थी। इसी तरह से खरखौदा में भी एक घटना पूर्व में हुई है और हमारे द्वारा इसमें SOG और थाना कंकड़खेड़ा और अन्य पुलिस की टीमों को लगाया गया था, जिनसे ये पता चला कि इस गिरोह में काफ़ी अधिक लोग शामिल थे, लगभग 20 से अधिक लोग शामिल थे। इसमें से हमने पुलिस के द्वारा भी वर्तमान में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जो 3 लोग हैं इनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो गिरोह का सरगना जो है जगत सिंह ये वर्तमान में थाना कंकड़खेड़ा में निवास करता है। इसी तरह से अमन मलिक और रफीक अहमद, इन तीनों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और अन्य जो दस लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है उसमें से 3,76,000 रुपये नकद बरामद हुआ है। साथ ही साथ घटना में जो प्रयुक्त करने वाली जो सामान को ढोने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जिसमें टाटा मैजिक, एक बुलेरो पिकअप और एक और बुलेरो पिकअप बरामद, 2 बुलेरो पिकअप बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके आने जाने के लिए जो अपनी गाड़ियों का उपयोग करते थे, इसमें अपाचे मोटरसाइकिल और वैगनार गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा इसमें गैस कटर और टावर काटने के जो तार काटने के जो उपकरण है वो भी बरामद किए गए हैं, गैस कटर भी और सिलेंडर्स भी बरामद हुए हैं। तो ये गिरोह का पर्दाफाश किया गया, इसका जो मुख्य जो एरिया था ये मेरठ में और आसपास के जनपद मुजफ्फरनगर गाजियाबाद में था। साथ ही साथ ये गाजियाबाद के अलावा जो सामान को बेचते थे दिल्ली में और हरियाणा में भी अपना ऑपरेट करते थे। इस तरह से इन पूरे गिरोह को पकड़ा गया, इनके ऊपर आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें अभी हमारे पास अभी 4 और लोग हैं जो अभी फरार हैं। इसमें ये मेनली कबाड़ी हैं जो ये सामान को अपना खरीदते थे और इसको आगे गलाने का या बेचने का कार्य करते थे, तो इनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कब से काम कर रहे थे, क्या आपराधिक इतिहास है लोगों का, कुछ पढ़े लिखे भी हैं सर ये ऐसी है? अभी हमारे जो पूछताछ की गई इसमें सबसे पुराना जो मुकदमा अभी तक नज़र में आया है वो थाना ये जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली में 9 महीने में पिछले साल एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी घटना को भी उन्होंने स्वीकार किया है। और इसके बाद से लगातार ये हमारे क्षेत्र में पिछले 1.5-2 माह से काफ़ी अधिक सक्रिय थे और इनके ऊपर फिर इसी तरह से कार्रवाई की। कहीं रेकी करते थे पहले? हाँ, ये घटना से पहले अपनी जो टीम है उसको बुलाते थे, थाना कंकड़खेड़ा में एक जगह पड़ती है वहाँ पे ये टीम को इकट्ठा करते थे और उससे पहले जहाँ जहाँ पर ये कैंप लगे थे, जहाँ पर सामान इकट्ठा होता था, जहाँ जहाँ सामान इकट्ठा रहता था वहाँ पर ये पहले रेकी करते थे और वहाँ देखते थे कितने लोग वहाँ मौजूद हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, फिर रात को 12-1-2 बजे के आसपास जाके वहाँ पे घटना को अंजाम देते थे और सारा सामान लेके अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं, छोटा ये जो बुलेरो पिकअप है टाटा मैजिक है, इसमें लोनी ले जाके जाते थे और वहाँ पे डंप करते थे और उसके बाद फिर और आगे दिल्ली की तरफ इसको मूव करते थे। इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।